हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, एक्सेल में आज खास क्या सीखेंगे आइए समझाता हूं आपको। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इस पूरे डेटा में जो कंप्लीटेड वर्क है यहां पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड जहां पर भी लिखा हुआ है वहां पर हरे कलर में आ जा रहा है, और जहां नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ है वहां कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया है, अब देखिए यहां पर अगर मैं कंप्लीटेड लिख देता हूं तो क्या होगा। देखिए मैं लिख रहा हूं कंप्लीटेड, ये देखिए कंप्लीटेड लिखा मैंने, और अब एंटर प्रेस करता हूं तो यहां देखिए ये कलर जो है ग्रीन हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख देता हूं कंप्लीटेड, तो ये देखिए मैं लिखता हूं कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीट हुआ था, मैंने लिख दिया कंप्लीटेड। तो जैसे ही कंप्लीटेड लिखेंगे तो क्या होगा कंप्लीटेड। ठीक है, अब देखिए एंटर प्रेस किया ये ग्रीन हो जाता है, ये कैसे हुआ इसी की बात करने वाले हैं, तो चलिए आइए आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहां से सीट नंबर 4 ले लेते हैं और यहां पर लेके आ जाते हैं, सेम चीजें यहां पर भी आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर सारी चीजें कॉपी हो गई हैं और यहां पर आ भी चुकी है, यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को देखिए हेडिंग छोड़ करके पूरा डेटा सेलेक्ट कर जाइए, ये सेलेक्ट हो गया। अब करना क्या है, अब हमें चलना है सीधा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। ठीक है, और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा न्यू रूल्स, तो न्यू रूल्स पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर नीचे देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, तो इसी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और है जो पहला वाला है ना कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड वाला लीजिएगा, तो कंप्लीटेड पर क्लिक कर दीजिए। और रो को हमें लॉक नहीं करना है, रो को हमें फ्रीज नहीं करना है। ठीक है, तो रो को फ्रीज मत कीजिए और यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाइए और डब्ल्यूटेड कोर्स में क्या लिख देना है कंप्लीटेड लिखना है, तो ये बस लिख दीजिए कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये कंप्लीटेड लिख दिया और इसको डब्ल्यूटेड कोर्स को क्लोज कर दीजिए। यहां पर देखिए फॉर्मेट आ रहा है, तो फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें हैं, नंबर लेंगे, करेंसी, क्या किस चीज के थ्रू आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्या बॉर्डर बना के फॉर्मेट करना चाहते हैं, अभी फिलहाल तो हमें कलर लगाना है तो फिल पे चलते हैं। ठीक है, और यहां पर एक हल्का कलर मैं लगाता हूं, ये हल्का ग्रीन कलर लगा देता हूं, ये कलर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो ये देखिए यहां पर जो भी कंप्लीटेड है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया। अब यहां पर अगर मैं कंप्लीटेड कर देता हूं तब क्या होगा, ये देखिए ये मैंने किया कंप्लीटेड, तो ये जैसे ही मैं कंप्लीटेड लिख के हटूंगा एंटर करूंगा तो यहां पर ये भी ग्रीन हो जाएगा, तो जो भी टास्क कंप्लीट होता जाएगा वो ग्रीन होता जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं एक्सेल में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।